के सैलाब से लबरेज है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले को लेकर साधु संत और श्रद्धालुओं का हुजूम देखने लायक है। जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने। उन्होंने कहा कि कुंभ प्राचीन समय से लगता आ रहा है और अब इसका आधुनिकरण हो रहा है। मेरे साथ में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल ये उठता है कि जिस तरह कुंभ का स्वरूप लगातार बदल रहा है, जिस तरह पहले लोग बैलगाड़ी से सामान यहाँ पर लेकर आते थे, अब तो तमाम उनके वाहन भी हो गए हैं, तमाम पंडाल अच्छे अच्छे लगने लगे हैं, तो पूरा स्वरूप बदल रहा है इस बार, तो कुछ खास ही दिख रहा है इस बार पूरे प्रयाग क्षेत्र में। जिस प्रकार से हम दिव्यता को और उत्साह को, आनंद और उल्लास को, उमंग को अथवा आध्यात्मिक ऊर्जा को साकार देख रहे हैं, ये इस बार के कुंभ का वैशिष्ट्य है। धर्म और राजनीति, धर्म राजनीति में समावेश हो रहा है। जो धार्मिक धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन धर्म के लोग अब राजनीति की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? जो इहलोक परलोक दोनों को संवार दे उसे धर्म कहेंगे। जो वर्तमान को आनंदित करे और परलोक के मार्ग को भी प्रशस्त करे। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में एक बड़ा हिस्सा है इस की, न तो उपेक्षा की जा सकती और न इसका तिरस्कार होना चाहिए। राजनीतिक आकर्षण की जो आपने मुझसे बात कही, तो राजनीतिक आकर्षण में वर्चस्व और प्रभुत्व का, नेतृत्व का लोभ न रहे, सेवा की भावना रहे, तो इससे बड़ी कोई और दिशा हो नहीं सकती। इस बार का जो कुंभ है, क्या धर्मादेश देने वाला है? क्योंकि कुंभ से काफी लोग उम्मीदें कर रहे हैं, इस बार क्या धर्मादेश जाएगा? इस बार शताब्दियों से, युगों से भारत ज्ञान, विज्ञान, प्रयोग, आविष्कार, सदाचार, शिष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, न्याय का आदर्श रहा है। मूल्यों को यहाँ से सीखा गया है, तो यहाँ से जीवन मूल्यों को कैसे और साकार किया जाए, किस प्रकार से सदाचार संपन्न व्यक्ति बने और बढ़ते तनाव के इस युग में व्यक्ति कैसे सहज रहे और अपने आनंद को कैसे सुरक्षित रख सके, अथवा कैसे वो नैसर्गिक और स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन जी सके। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो कुंभ है काफी बड़ा संदेश दे रहा है, इससे जो जनमानस है उसको तमाम लाभ होने वाले हैं। समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।